अखबार में हम अक्सर पढ़ते हैं कि कोकेन इतना इतना जब्त किया, कोकेन समेत पकड़ लिया, कोकेन के बैग्स पकड़ लिए, इतना इतना लाखों का माल पकड़ लिया, ऐसा हम पढ़ते रहते हैं। तो चाहे आइए अपन उसके बारे में देखते हैं कि है क्या कोकेन और इसकी लत कैसे लगती है। तो आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो कोकेन है इसकी लत लगती है तो ये एरिथ्रोक्साइलोसी फैमिली है पौधे की, उसमें कोका नाम का ये पौधा रहता है और उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है जिसकी वजह से लत लगती है वो है कोकेन या बेंजिल इगोनाइन करके, तो बेंजिल इगोनाइन या इगोनाइन ऐसे उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है और उससे एक्चुअली लत लगती है। तो ये प्लांट जो है वो, मतलब ये पौधे उगाना, ये हमारे देश में मतलब क्रिमिनल एक्ट है, हम कर नहीं सकते। तभी भी लोग इसको खेत इसकी खेती करते हैं और इसको उगाते हैं और इसका माल बेचते हैं। कई देशों में तो ये लीगल है और वहाँ से फिर हमारे देश में माल आते रहता है। इसकी लत बहुत ही जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी, मतलब एक दो बार भी सूंघ लिया तो तुरंत उसको लगता है कि नहीं, हमने बार बार सूंघना चाहिए, क्योंकि उतना फटाक से उसका असर होता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही यूफोरिया लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, आनंद आता है, खुशी आती है, शरीर में ऊर्जा आती है, थकान गायब हो जाती है और 5 से 10 मिनट या 30 मिनट तक, मतलब मैक्सिमम 30-40 मिनट तक ऐसा लगता है कि अपन एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, बिल्कुल मस्त लगता है उसमें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी लगती है, कुछ भी काम करने की इच्छा होती है, एक्साइटमेंट रहता है और वो 30 मिनट तक 40 मिनट तक चलता है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर उसको टॉलरेंस डेवलप हो जाता है धीरे धीरे, मतलब आज जितना डोज लिया तो 3 हफ्ते के बाद में उतना ही मज़ा आने के लिए फिर डोज और बढ़ाना पड़ता है। अब ये कैसे लिया जाता है? एक तो स्मोकिंग से, मतलब स्मोकिंग करते हैं, स्मोक करते हैं सिगरेट जैसा, मतलब सिगरेट जैसा धुआं लेते हैं उसका, या फिर इंजेक्शन से लेते हैं या फिर नाक से उसको सूंघते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ब्रेन का स्टिमुलेशन इसमें होता है, बहुत ज़्यादा, और केमिकल लोचा ये होता है इसमें कि डोपामिन लेवल्स जो अपनी ब्रेन की, डोपामिन नाम का जो अपना केमिकल है ब्रेन में, उसकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ब्रेन में, और वो लेवल बढ़ जाने के बाद बहुत एक्साइटमेंट आता है। अब ये नहीं मिला तो लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, मतलब क्राइम करेंगे, खून करेंगे, गुनाह करेंगे, मारपीट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये, क्योंकि उनको वो चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए उसके लिए कुछ भी, उसकी इतनी भूख लगती है उसकी नशा उतरने के बाद में कि उसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार रहता है। अब ये तो उसकी भूख पूरी होती नहीं, मतलब तो ज़्यादा ही ज़्यादा लगता है, एक तो बहुत महंगा है ये और दूसरा कि इसके शरीर के ऊपर बहुत बुरे असर हो जाते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना, फिर पूरे बदन में गर्मी लगना, बुखार आना, कभी हार्ट अटैक आ जाना, सांस बंद हो जाना, आंखों की जो पुतलियां रहती है वो बड़ी हो जाना और कभी कभी पेशेंट वायलेंट हो जाता है नहीं मिला तो, और मिलने के बाद में भी कभी कभी वायलेंट हो जाता है, मतलब पागलपन भी होता है। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं तो वो कोकेन लेते रहते लोग और उससे पागल हो गए, हो जाते हैं, फिर उसके इलाज के लिए आते हैं या फिर कोकेन एडिक्शन जो है तो उसका डी एडिक्शन करने के लिए आते हैं। अभी उसका डी एडिक्शन कैसे करना, मतलब उसको हम एडमिट करते, हॉस्पिटलाइज कर लेते, उसके बाद में उसको जो सीवियर विड्रॉल आता है तो सीवियर विड्रॉल मतलब हंगर लगती है ना, भूख लगती है कोकेन की, तो उसके लिए उसको सुला के रखना, फिर उसको जो तकलीफ होती है वो तकलीफ़ के लिए जो भी तकलीफ़ है उसको उतनी दवा देना, मेडिकेशंस, नींद नहीं आती तो नींद के लिए देना दवा, या फिर खाना पीना नहीं करता है वो तो उसके लिए फिर कोई सलाइन मलाइन, उसको आईवी फ्लूइड देना, ऐसा करके उसको 2-3 दिन 4 दिन एक बार निकल गए उसके, फिर धीरे धीरे उसकी वो जो हंगर है वो कम हो जाती है और व्यक्ति नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो ये कोकेन का इस्तेमाल करना बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत जल्दी आदत लग जाती है और ये नहीं मिला तो इसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो अपने बच्चे इसके आदि तो नहीं हो रहे, ये देखना पेरेंट्स का काम है, अपने रिलेटिव जो अपने घर के परिवार के जो लोग हैं वो तो ये नहीं कर रहे, क्योंकि कब पता लगेंगे, कब मतलब ये चालू करेंगे और हमें पता भी लगेगा नहीं कि कब चालू किया उसने। तो ये इसकी जानकारी होना, और कुछ आजकल कोई सूंघ रहा है क्या, नाक में कुछ अल्सर हो रहे क्या, नाक से पानी आ रहा है क्या, या
शरीर के ऊपर कोई इंजेक्शन के निशान मतलब कोई है क्या, निशान है क्या, यहाँ की इंजरी हो चुकी है क्या? ऐसा यदि हम हमारे लोगों को देखते रहते हैं, कोई बच्चे एडोलेसेंट किशोर अवस्था के बच्चे तो उनको हम देखते रहते हैं, तो मालूम पड़ेगा कि अरे कुछ तो भी आड़ काम कर रहा है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारे से लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, हमारे यहाँ पेशेंट को लेके आते हैं, उनको भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। हमारा मिशन जो है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत। आप शेयर करो, आपका भी हाथ ये हमारे मिशन में लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।